राजा जनक का अनसुना सच। जनक नाम के एक राजा थे। उनको सब राजा जनक के नाम से जानते थे। वह बहुत ही दयालु व्यक्ति थे और वे धार्मिक व्यक्ति भी थे, साथ ही विष्णु भगवान के पुजारी भी थे। एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। तब विष्णु जी के लोक से उनके लिए एक विमान लेने आया। उसमें बैठकर राजा जनक स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं। तभी रास्ते में उन्होंने देखा कि नरक में लोगों को बुरी तरह से पीटा जा रहा है तथा उन्हें भयंकर यातनाएं दी जा रही हैं और साथ ही लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ भी आ रही है। तभी उन्होंने विमान चालक से कहा कि विमान रोको और पूछा कि इनको ऐसे क्यों पीटा जा रहा है। विमान चालक ने कहा कि राजन, ये नरक है और इस नरक में पाप कर्म का प्राणी दंड भोग रहे हैं। उनको दी जा रही यातनाओं से वह चिल्ला रहे हैं। तभी राजा जनक ने कहा कि इन सबको छोड़ दो। विमान चालक ने कहा कि राजन, यहाँ आपका आदेश नहीं चलेगा, यहाँ तो धर्मराज का आदेश चलता है। फिर राजा जनक ने कहा कि धर्मराज से मेरी बात कराओ। फिर धर्मराज को बुलवाया और धर्मराज वहीं पर आ गए और कहा कि राजन, आप स्वर्ग के अधिकारी हैं, आप स्वर्ग में चलो, ये तो नरक है। तब राजा जनक ने कहा कि आप इन सब आत्माओं को छोड़ दो और मेरे साथ स्वर्ग भेजो, तो मैं जाऊँ, नहीं तो मैं नहीं जाऊँगा। तो धर्मराज ने कहा, हम आपको ऐसे नहीं छोड़ सकते, आप तो स्वर्ग के अधिकारी हैं, यहाँ जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही भोगना पड़ेगा। तब राजा जनक ने कहा कि मुझे भी यहीं छोड़ दो। यह सुनकर धर्मराज ने एक विकल्प निकाला और राजा से कहा, आप अपने कुछ पुण्य दे दो, उन पुण्यों के आधार पर इनको आपके साथ स्वर्ग भेज दिया जाएगा। तभी राजा ने आधे पुण्य उनको दे दिए। तभी नरक की सारी आत्माओं को निकाल दिया गया और राजा के साथ स्वर्ग भेज दिया गया। फिर जब तक राजा जनक के पुण्य उन आत्माओं के साथ थे, तब तक वह स्वर्ग में ही रहीं और पुण्य खत्म होते ही वह दोबारा नरक में गईं और राजा जनक भी नरक में ही गए। इस कहानी से हमको यह पता चलता है कि स्वर्ग में गया व्यक्ति भी एक दिन दोबारा इस संसार में जन्म लेता है, उसका मोक्ष नहीं होता। तो आइए जानते हैं कि मोक्ष किस प्रकार मिल सकता है और मोक्ष के लिए कौन सा गुरु सही है। मेरी भी रहेगी तो गीता ज्ञान दाता के पास वो कंप्लीट कोर्स नहीं है जिससे जन्म मृत्यु उसकी कट सके और उसके उपासक की कट सके। स्पष्ट कर लिया। अब वो कहता है कि उसके लिए तत्वदर्शी संतों ने खोज ले, तो इस विषय में आज तत्वदर्शी संत ये रामपाल दास है, जिला हिसार हरियाणा। अब किसी का भ्रम नारायण चाहिए, देखो एक हजार का नोट है, उस पर लिखा है कि मैं धारक को 1,000 रुपये देने का वायदा करता हूँ। दास पे लिखा नहीं है, दास बोल सकता है कि मैं उपासक को सर्व सुख और पूरा कंप्लीट मोक्ष देने का वायदा करता हूँ, जब नियम में रहोगे तो। पुण्यात्माओं, बिना बताए पता कैसे चले? स्वयं परमात्मा इथे 120 वर्ष रह के चले गए, हम लाल की पहचान करना जानते नहीं, इस कारण से मार खाते रहे। और एक तो कहना होता है विद प्रूफ, प्रूव करूँगा कि इस विश्व में किसी के पास ज्ञान नहीं, किसी के पास समाधान नहीं और कबीर जैसा भगवान नहीं। और इस परमात्मा के दास को जो प्राप्त है, कबीर परमात्मा का दिया हुआ ऐसा कोई ज्ञान नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।